हेलो बच्चों होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर नेम इंडिया इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भारत देश और वहाँ पर पाने जाने वाले फॉरेस्ट और वहाँ की वाइल्ड लाइफ उसके बारे में हम पढ़ेंगे जंगली जानवरों और जो वहाँ पर वन मिलते हैं इंडिया में उनके बारे में हम रीड करने वाले हैं राइट द नेम्स ऑफ ऑल द वाइल्ड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट में भारत के जंगलों में जो भी जंगली जानवर मिलते हैं उनके आप यहाँ एक लिस्ट बनाओगे नाम लिखोगे ओके okay? फॉरेस्ट क्या होता है बच्चे अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद नेचुरली ग्रोन ट्रीज एंड प्लांट्स फॉरेस्ट एक वो लार्ज एरिया होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो अपने आप से उगने वाले पेड़ों और पौधों से भरा हुआ होता है अ फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ़ मैनी स्मॉल एंड बिग वाइल्ड एनिमल्स और पेड़ पौधों के साथ साथ वहाँ पर छोटे और बड़े जंगली जानवर भी होते हैं एंड द काइंड ऑफ ट्रीज और अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ द प्लेस जो पेड़ वहाँ पर उगते हैं जो पौधे वहाँ पर उगते हैं वो डिपेंड करता है कि जो फॉरेस्ट है वो कैसा क्लाइमेट है वहाँ पर और कैसी वहाँ पर मिट्टी है फाइन नो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट हैं फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज फर्स्ट वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट सच एज टिम्बर फायर वुड पल्प लॉक रिजन गम हब्स ग्रासेस एंड लीव्स हमें फॉरेस्ट में जो ट्री उगते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि टिम्बर फायरवुड पल्प, लाक केसर गम हब्स ग्रासेस और पत्तियाँ ये बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इज टिम्बर इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज टूल्स फर्नीचर एंड रेलवे स्लीपर्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक टिम्बर जो कहाँ मिलता है आपको फॉरेस्ट में ही मिलता है और ये किस लिए यूज होता है ये यूज होते हैं घर बनाने में टूल्स बनाने में फर्नीचर बनाने में और रेलवे स्लीपर्स बनाने में नाउ पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। कागज कैसे बनता है कागज भी बनता है लकड़ी के गुद्दे से तो वुड पल्प से बनता है कागज ये आपको इंडिया का मैप दिखाया है और यहाँ पर आपको की वर्ड दिए हुए हैं कि कौन से कलर में कौन से फॉरेस्ट आपको पाए जाते हैं ओके नाउ रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सोइल इन देयर प्लेस जो जंगलों में जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को अपने साथ जोड़ के रखते हैं तो सोयल इरोजन को रोकते हैं फॉरेस्ट ट्रीज गिवस ऑक्सीजन इतने सारे पेड़ जंगलों में उगते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड्स एंड डस्ट प्रिवेंट सोयल इरोजन बाढ़ आने से रोकते हैं फॉरेस्ट अभी हमने बात की जो पेड़ की जड़ें हैं वो पानी को होल्ड कर लेती हैं तो अगर बाढ़ आ जाती है तो जो जड़ें हैं वो पानी को सोख लेती हैं तो सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं फॉरेस्ट कीप द एयर फ्रेश एंड कूल द एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट जो आसपास की हवा है उसको शुद्ध रखते हैं ताज़ा रखते हैं और टेम्परेचर को ठंडा रखते हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट जो हैं बहुत सारे जंगली जानवरों का घर होते हैं वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट हेल्प कोज रेनफॉल फॉरेस्ट रेनफॉल यानी बारिश लाने में मदद करते हैं तो इतने सारे इंपॉर्टेंस हैं फॉरेस्ट की नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं दे आर मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट थोर्नी फॉरेस्ट कॉनीफेरस फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट ये टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर फर्स्ट हम बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टोल एंड डू नोट शेड लीव एट द सेम टाइम एवरग्रीन नाम से ही पता लग रहा है हमेशा हरे भरे रहना तो एवर ग्रीन फॉरेस्ट क्या है रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर पूरे साल तक ग्रीन ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो एक साथ अपनी लीव्स शेड नहीं करते एक साथ उनकी पत्तियाँ नहीं टूटती और बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं यहाँ द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट फॉर्म अ ब्रॉड कनोपी एट द टॉप इतने लंबे ट्री होते हैं कि अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे तो एक कनोपी बना लेते हैं एक छत की तरह आपको दिखाई देंगे द वुड ऑफ़ दीज ट्रीज़ इज़ हार्ड एंड वैल्यूएबल यहाँ पर उगने वाले जो ट्री हैं उनकी जो वुड है लकड़ी है वो बहुत मजबूत होती है और बहुत कीमती भी होती है इबोनी महागनी एंड रोज वुड आर द एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन ट्रीज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से ट्री उगते हैं इबोनी महागनी एंड रोज वुड यह आपको एग्ज़ाम्पल दिया है एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो घने जंगल होते हैं The evergreen forests are found in warm areas with plenty of rainfall in India. इंडिया में ऐसी जगह पर जहाँ पर वॉर्म क्लाइमेट होता है गर्म एरिया होता है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं दे आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज असम अरुणाचल प्रदेश मेघालय एंड त्रिपुरा ये कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट के स्लोप्स पर असम में कुछ स्टेट्स पर या अरुणाचल प्रदेश में मेघालय में और त्रिपुरा में ओके okay? नाउ हम बात करते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट की डेसीडियस फॉरेस्ट ये आपके डेसीडियस फॉरेस्ट की पिक्चर दिखाई दी गई है दीज आर ऑल्सो कोल्ड मॉनसून फॉरेस्ट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीज इन द ड्राई सीजन फॉर अबाउट सिक्स टू एट वीक्स मॉनसून फॉरेस्ट इनको बोलते हैं और ज़्यादातर इस फॉरेस्ट में ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो एक ही साथ ड्राई सीजन में छः से आठ हफ्ते तक अपने लिव छोड़ देते हैं एकदम से झड़ जाते हैं इनके जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं एक साथ अ मेजर पार्ट ऑफ आर कंट्री इज़ अंडर डेसीडियस फॉरेस्ट और हमारी कंट्री में ज़्यादातर डेसीडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं टीक साल शीशम सैंडलवुड सेम्यूल बैम्बू एटसेक्ट्रा आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ ग्रोन हेयर और डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं यहाँ पर कौन कौन से पेड़ मिलते हैं जैसे टीक साल शीशम चंदन के पेड़ सेम्यूल बैम्बू ट्री ये टाइप के ट्रीज यहाँ पर ग्रो होते हैं ट्रीज़ आर वेरी वैल्यूएबल ट्रीज बहुत कीमती होते हैं द डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय माउंटेन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द वेटर एरियाज ऑफ द सर्दन प्लेट्यू कहाँ मिलते हैं ये ये मिलते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालय हिमालय के जो फुट हिल्स हैं जैसे कि शिमला है हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और जो वेटर एरियाज हैं सर्दन प्लेट्यू के वहाँ पर आपको डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट की थॉर्नी फॉरेस्ट नाम से ही आपको पता लग रहा है थॉर्न मीन्स कांटा कांटेदार जंगल ठीक है द ट्रीज ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स थिक बाग शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स जो ट्रीज होते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट में वो कैसे होते हैं लॉन्ग रूट्स होते हैं ताकि वो पानी अब्जोर्व कर सकें थिक बाग होती है ठीक है और शार्प न होते हैं कांटेदार होते हैं छोटे छोटे पत्तियाँ होती हैं दीज ट्रीज कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे टाइम तक ये पानी के बिना रह सकते हैं द थोर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ हरियाणा गुजरात मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ ये मिलते हैं ये राजस्थान में मिलते हैं और कुछ हिस्से हरियाणा गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी पाए जाते हैं कॉमन ट्रीज़ ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट आर कौन कौन से पेड़ थॉर्नी फॉरेस्ट में आते हैं बबुल का पेड़, पाम ट्रीज केक्टस एंड कीकर एट मैनी प्लेसेस देर आर मोर बुशेज दैन ट्रीज ज्यादातर थॉर्नी फॉरेस्ट में आप देखोगे ट्रीज कम होते हैं और बुशेज झाड़ियाँ ज्यादा मिलेंगी ओके तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थोर्नी फॉरेस्ट नाव हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट दैट इज कॉनी फेरेस फॉरेस्ट दिज आर कोनी फेरे फॉरेस्ट जिनकी एक कोन बनी होती है इस टाइप के ट्री होते हैं यहाँ कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर हिमालय माउंटेन्स एंड पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स नीलगिरी हिल्स और हिमालय माउंटेन के ऊपर ये आपको ट्रीज़ मिलेंगे कॉनिफोरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे कॉनीफेरस ट्रीज़ आर टोल एंड पॉइंटेड एंड हैव नीडल शेप्ड लीव कैसे लीव्स होती हैं इनकी नीडल शेप सुई जैसी लीव्स होती हैं बहुत लंबे होते हैं ये और पॉइंटेड होते हैं दीज ट्रीज बीयर कम्प्स कॉन्स और ये ट्रीज क्या बनाते हैं ये कौन बनाते हैं आप देखोगे ऐसे पेड़ों के कौन बनी हुई है ओके okay? इसीलिए इनको कॉनीफेरस ट्रीज बोलते हैं एंड दीज आर दिन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर चिट देोदर फिर एंड स्प्रूस ये ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं द पल्प ऑफ दीज ट्रीज इज यूज फॉर मेकिंग पेपर और जो ये पेड़ कॉर्फेरिस फॉरेस्ट में जो ये ट्री मिलते हैं इनका जो पल्प है वो पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है दिस ट्रीज़ ऑल्सो एल्ड रेजिन एंड टर्पेटाइन ऑयल तारपीन का तेल और केसर इन पेड़ों से मिलता है ना हम बात करते हैं टाइडल फॉरेस्ट की टाइडल फॉरेस्ट क्या होते हैं टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कोल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको दे कैन ग्रो इन फ्रेश एंड सेलाइन वाटर ताज़ा पानी में भी उग सकते हैं खारे पानी में भी उग सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ ऑल मेजर रिवर जो भी बड़ी बड़ी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे द फॉरेस्ट आर डेंस एंड द वुड इज़ हार्ड ये बहुत घने जंगल होते हैं और यहाँ पर जो लकड़ी मिलती है पेड़ जो पेड़ है उनकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है सुंदरी ट्री इज़ अ वेल नोन ट्री ग्राउन इन द सुंदरबन जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी ट्री एक फेमस एग्जाम्पल है इसका एंड

In 1974, the villagers in the hills of Uttarakhand thought of a unique way to prevent the cutting down of trees. trees. They put their arms around the trees and when the tree cutters came to cut them, they would not leave the trees till they left. This was called the Chipko movement. ये देखो आपको दिस इज चिपको मूवमेंट इसमें इन्होंने क्या किया जब वुड कटर जब पेड़ काटने के लिए जो आ रहा था तो इन्होंने पेड़ को हक कर लिया कि हम इसको कटने नहीं देंगे और उस मूवमेंट को नाम दिया गया चिपको मूवमेंट द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट आर सुंदरलाल बाहुगना चांदी प्रसाद भट्ट एंड गोरा देवी इनके तीन लीडर थे इस मूवमेंट के चिपको मूवमेंट के वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू प्लांट मोर ट्रीज बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कैसे लगाएं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च मैनी प्रोग्राम्स to plant trees such as the social forestry movements and van mahotsav government sarkar jo hai wo bhi time time par bahut sare aise program chalati rehti hai jaise social forestry movements hain van mahotsav hai taki log jagruk ho jyada se jyada ped lagaye Children in schools are encouraged to plant trees. और बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जैसे आप अपने जन्मदिन पर एक ट्री ग्रो कर सकते हो हर एक जन्मदिन पर अगर आप ट्री ग्रो करोगे तो वो भी आपका पेट बचाने में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ओके नेक्स्ट इज़ सेंचुरीज़ का ये एक मैप है तो ये आपको कीवर्ड दिया हुआ है कहां पर नेशनल पार्क है लाइफ सेंचुरीज बनी हुई है कौन से स्टेट में कौन से एनिमल आपको मिलेंगे ओके टर्म वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स एट्सट्रा लिविंग इन द फॉरेस्टेड एरियाज जंगलों में जो भी एनिमल बर्ड रेप्टाइल, इंसेक्ट जो भी जंगलों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ कहते हैं एंड इन द पास्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर हॉन्टेड एज अ स्पोर्ट। पहले क्या होता था पहले के लोग खेल खेल में इनका शिकार करते थे एनिमल्स का और बर्ड्स का आपने सुना होगा राजा महाराजा शिकार करने जाते थे ओके दिस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सम एनिमल्स इससे क्या हुआ कुछ एनिमल्स लुप्त हो गए ख़त्म हो गए धरती से मैनी एनिमल्स आर एंडेंजर्ड हंटिंग इज नाउ बैंड इन इंडिया और बहुत सारे एनिमल डेंजर में हैं यानी बहुत कम हो गए हैं और शिकार अब इंडिया में बैंड है कोई भी शिकार हंटिंग नहीं कर सकता आ गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्कस एंड टाइगर रिजर्व टू सेव वाइल्ड लाइफ हमारी सरकार ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी हैं नेशनल पार्क बनाए हैं ताकि टाइगर को रिजर्व कर सकें वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकें ओके कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दिस फॉरेस्ट इज़ नॉट परमिटेड जो ये फॉरेस्ट हैं नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या टाइगर रिजर्व पार्क हैं यहाँ पर हंटिंग की परमिशन नहीं होती और ट्री भी कोई भी कट नहीं कर सकता समोलदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नैशनल पार्कस आर एस फलोज कुछ नेशनल पार्क्स के और वाइल्ड सेंचुरीज़ के नाम दिए गए हैं जैसे कि फर्स्ट है कॉर्बेट नैशनल पार्क उत्तराखंड ओके okay, ये आपको वाइल्ड लाइफ कुछ वाइल्ड एनिमल्स की फोटो दिखाई हुई है तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है नेक्स्ट है सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बेंगोल कान्हा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है गिर नेशनल पार्क दैट इज इन गुजरात काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में लोकेटेड है एंड बंदीपुर नेशनल पार्क दैट इज इन कर्नाटका पीरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा ओके तो गवर्नमेंट ने इतने सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाए हुए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके फैक्ट फाइल कैलबुल लेम्सो इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन मणिपुर मनीपुर में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है कैबुल लेम्सो ओके Now we can find wildlife sanctuaries and national park in the map. इफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हम मैप पर भी देख सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं वो इंडिया के मैप पर भी लोकेटेड हैं इंडिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बहुत सारे नेशनल पार्क हैं इंडिया इज द ओनली कंट्री वे अबाउट टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड इन फॉरेस्ट फैक्ट फाइल में आप पढ़ोगे इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री है जहां पर फॉरेस्ट में टाइगर भी मिलते हैं और लायंस भी मिलते हैं ओके द गिर फॉरेस्ट of Gujarat is होम टू एशिया लायंस गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में वहां पर लाइन्स आपको मिलेंगे एसियाटिक लाइन पूरे एशिया में लाइन सिर्फ गिरफॉरेस्ट गुजरात में ही आपको मिलेंगे टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क लाइक रंथम बोर एंड कॉर्बेट टाइगर्स कहाँ पर प्रोटेक्टेड है नेशनल पार्क जो लोकेटेड है आपके रंथम बोर एंड जिम कॉर्बेट हैं यहां पर आपको टाइगर मिलेंगे ओके नाउ द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द मनसा सेंचुरी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ

फॉरेस्ट है जो जंगल में पेड़ हैं उनसे हमें टिम्बर फायरवुड पल्प और भी बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं फाइव मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर एवरग्रीन फॉरेस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट थॉर्नी फॉरेस्ट टाइडल फॉरेस्ट एंड कॉनी फॉरेस्ट ये पांच टाइप के इंडिया में फॉरेस्ट आपको मिलेंगे द चिपको मूवमेंट वो स्टार्टेड टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज पेड़ों को कट्टे से बचाने के लिए चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया गया अ रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ इज इज प्रिजर्व एंड एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द सेंचुरीज नेशनल पार्क बहुत सारे जंगली जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई है इंडिया में और बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एक बार सेल्फ रीडिंग करेंगे इसकी और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे